प्रोग्राम शेर ओ सुखन देखिए हर जुमा रात 9:30 बजे और हर सनीचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल, कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। पंजाब का कदीम शहर भटिंडा शुजात और जवां मर्दी की यादगार है। इस शहर ने ताकतवर मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमतों का मुकाबला किया। ये शहर हर दौर की यादों को अपने सीने में समेटे हुए है। भटिंडा बावकार किलों, शानदार गुरुद्वारों और तारीखी मकामात की विरासत से मालामाल वो सरजमीन है जहां अहदे रफ्ता और जदीदियत हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। आपका इस्तकबाल है इस शहर में जहां अपने कयाम के दौरान आप यकीनन जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हा से जरूर दोचार होंगे। भटिंडा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के मगरिब में 250 किलोमीटर दूर वाकई है। यहां चारों जानिब फैली हरियाली इसके नीम देही रुख को वाजे करती है। यहाँ आने वाले ये देखकर हैरान होते हैं कि ये शहर कदामत और जदीदियत का एक हसीन संगम है। इस जगह को समझने के लिए हर सैयाह को इसके तारीखी झरोखों में झांकना होगा। तारीख की इस वर्क गर्दानी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि शहर के कल्ब में बसे वसी और खामोश किलों से शुरुआत की जाए। गोविंदगढ़ के किले के नाम से मशहूर इस किले को राजा तब ने बनवाया था। चौकोर शक्ल के इस किले की फसील बंद इमारत चारों तरफ से 32 छोटे और 4 बड़े बुर्जों से सजी हुई है। इस किले की अहमियत और कशिश इसकी शान और शौकत या सादगी के सबब नहीं बल्कि इस वजह से है कि दिल्ली पर हुकूमत करने वाली पहली खातून रजिया सुल्तान को यहीं कैद किया गया था। हालांकि वो कैद खाना अब ढहकर पत्थरों के ढेर में बदल चुका है लेकिन अब भी लोग यहाँ उस हस्ती को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं जिसकी यादें इस ढेर से वाबस्ता हैं। जैसे ही हम इस किले के अंदरूनी सहन की जानिब बढ़ते हैं हमें वो खंडर दिखाई देते हैं जो कभी एक शानदार किला था। पंजाब की खासियत चारों तरफ फैली हरियाली में ये किला हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। ये किला सहराई फिजा की मुनासबत से तामीर किया गया है। इस सादे से किले की असल सजावट और कशिश मलिकाओं के वो हुजरे हैं जिन पर खूबसूरत गुलबूटों की नक्काशी की गई है। इस कदीम इमारत में तजदीदकारी किए हुए कुछ हिस्से इसे जदीद शक्ल अता करते महसूस होते हैं। यहाँ से चले जाने के बहुत देर बाद भी यहाँ गुजरे दिनों की शान और शौकत की यादें देखने वालों के जहन पर छाई रहती हैं। भटिंडा की मुकद्दस तरीन इबादतगाह तलवंडी साहब गुरुद्वारा है। यहाँ हर साल जोशो खरोश से मनाए जाने वाला बैसाखी का त्योहार मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ खींच कर लाता है। संगे मरमर से बनी मुकद्दस ज़ियारतगाह को बैसाखी से कई रोज पहले दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं।
यहाँ के मुकद्दस अकाल तख्त साहब को पीले रंग के कपड़े से ढका जाता है। दरअसल पीला कपड़ा कुर्बानी और पाकीजगी की अलामत तो है ही, साथ ही ये मौसम बहार की आमद का ऐलान भी करता है। फिजाओं में गूंजते मजहबी गीत और भजन पूरे माहौल को सहर अंगेज बना देते हैं। यहाँ पर अकीदत मंदों को बतौर तबर्रुक मीठा हलवा दिया जाता है। यह हलवा इस मौके का एक लाजमी जुज है। अकीदतमंद हलवे को खुदा की नेमत के तौर पर बड़े एहतराम से लेते हैं। तलवंडी साहब की ज्यारतगाह के एहतराम की वजह यह है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तवील अरसे तक कायम किया था। यहाँ एक गोशे में अजीम कायद की यादगारें महफूज हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अजीम मुसले और रहनुमा थे, जिन्होंने जालिम बादशाहों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। आज भी खालसा फिरके की तरक्की और नशोनुमा में इनकी अजीम खिदमात एहतराम और अकीदत की नजरों से देखी जाती हैं। यहीं पर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की तदवीन नौ की थी। हर साल बैसाखी के मौके पर इस अजीम वाकये को याद करने के लिए जुलूस अमन बरामद किया जाता है। इस दिन अकीदतमंद तड़के से ही यहाँ जमा हो जाते हैं ताकि मजहबी तकरीब में हिस्सा ले सकें। रूहानी पेशवा और ज़ियारतगाह के जिम्मेदार अफराद इस मौके पर मजहबी रसूम अदा करते हैं। इसी मकाम से जुलूस का आगाज होता है। गुरुद्वारे के बड़े ग्रंथी और दूसरी अहम शख्सियात रसूमात में शामिल होते हैं। जुलूस की इब्तिदा के तौर पर ज़ियारतगाह के रजाकार खिदमतकार सेवादारों को पीला कपड़ा दिया जाता है। तमाम खुद्दाम के हाथ में एक फरेरा होता है, जो मजहबी तहमुल और रवादारी और इख्तदार की अलामत है। जुलूस के ज़ियारतगाह से बाहर आते ही दीगर अकीदतमंद इसमें शामिल हो जाते हैं और जुलूस के साथ साथ दूसरी ज़ियारतगाहों पर भी हाजिरी देते हैं। बैसाखी दरअसल पंजाबियों के नए साल का पहला दिन होता है। ये दिन मजहबी सकाफती तकरीबात का एक खास मौका होता है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। हद्दे निगाह तक फैला ये जुलूस अपने गुरुओं की अजमत की कसीदा खानी करता है। नए साल की आमद के रिवायती गीत गाता है। ढोल और दीगर रिवायती बाजे इस जुलूस का अटूट हिस्सा है। रंग बिरंगे लिबास और पगड़ियों से भरे इस जुलूस में मुसर्रत और शादमानी का अक्स नुमाया रहता है। कपड़ों की ये रंगीनी इस पूरे मकाम को अपने में ढांप लेती है। अकीदत मंद दीगर इबादत गाहों की जानिब पेश कदमी करते हैं और बहुत जल्द अपनी पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जुलूस में शामिल अफराद गुजरे साल के लिए बारगाह खुदाबंदी में शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले साल के बाबरकत रहने की दुआ करते हैं। अमन और भाईचारे का ये नजारा बेहद असर अंगेज होता है। ये तकरीब यहीं खत्म नहीं हो जाती। यहाँ से जुलूस दीगर इबादतगाहों की जानी पड़ जाता है। दिन जैसे जैसे चढ़ता है, नई नई रसूम की अदायगी होती है। धीरे धीरे मजहबी रसूम में रिवायती जोश भी खुलने लगता है।
सिखों का एक तबका नहंग इस मौके पर सिपाहगरी के हैरत अंगेज करतब दिखाता है। मोहल्ला एक ऐसा अमल है जिसे देखने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। जिस वक्त घुड़सवार हैरत अंगेज मार्शल आर्ट की नुमाइश करते हैं तो देखने वाले खुसूसन खवातीन और बच्चे हैरत से दांत तले उंगली दबा लेते हैं। तकरीबात अगले रोज भी जारी रहती हैं। इस दिन अला सुबह अकीदतमंद भटिंडा से चंद किलोमीटर दूर वाके मैसर खाना मंदिर पर हाजिरी देते हैं। ये अहाता दो ज़ियारतगाहों पर मुश्तमिल है। ये ज़ियारतगाहें भगवती माँ से मंसूब हैं। दूसरा मंदिर पहले के मुकाबले ज्यादा सजा धजा है। ये अपने सालाना मेले के लिए भी काफी मशहूर है। माना जाता है कि इस मंदिर में की गई दुआएं जरूर कबूल होती हैं, जिसका सबूत है ये स्टील की प्लेटें जो अकीदतमंद मनचाही मुरादें पूरी होने पर एहतराम और अकीदत के साथ यहां नजर करते हैं। यहां से थोड़ी दूर एक अलग थलग से मकाम पर पीर हाजी रतन का मजार है। हाजी रतन एक बाअजमत वली थे। वो उस दौर के राजा भोज के सफीर भी थे और इस मकाम पर उन्होंने इबादत और रियासत की थी। इसके अलावा यहां आने वालों की तवज्जे उस ज़ियारतगाह की तरफ जरूर जाती है जो सिखों के गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह की हाजिरी की मुनासबत से बनाई गई हैं। यकीनन ये मकाम मजहबी रवादारी का आईनाकार है। भटिंडा से जरा ही दूर साबिक शाही रियासत कपूरथला आबाद है। गुलाबी रंग की खूबसूरत मौरिश मस्जिद कपूरथला की लायक दीद जगहों में से एक है। कपूरथला की काबिले गौर बात है कि यहाँ की बेशतर इमारतें गुलाबी रंग और फ्रांसीसी तर्ज की हैं। दरअसल रियासत कपूरथला पर शुरुआती अयाम में फ्रांसीसियों का बहुत असर था। हर चंद की इस मस्जिद का बैरूनी हिस्सा सादा है लेकिन अंदरूनी हिस्सा काफी खूबसूरत और सजीला है। इस मस्जिद को सन 1930 में फ्रांसीसी आर्किटेक्ट मॉन्ट्यू ने डिजाइन किया था। मस्जिद की तर्ज तामीर इसे मुल्क भर में सबसे अनोखा बनाती है। माना जाता है कि मोराको के मराकश शहर में वाकई अजीम कुतुबिया मस्जिद से ये मस्जिद बहुत मुशाबे है। मस्जिद के अंदरूनी दरो दीवार और छत पर खूबसूरत नक्काशी बेहद दिलकश है। लाहौर के मेयो स्कूल के फनकारों ने इसके अंदरूनी गुंबद का डिजाइन तैयार किया था। कपूरथला रियासत की तारीख की झलक देखने के लिए यहाँ के सैनिक स्कूल का दौरा करना जरूरी है। यह स्कूल हिंदुस्तान के सफे अव्वल के पब्लिक स्कूलों में से एक है। स्कूल की गुलाबी रंग की इमारत फ्रांसीसी तर्ज की है।
सैनिक स्कूल की इमारत गैर मामूली है। ये दरअसल कपूरथला के राजा जगजीत सिंह का रिहायशी महल था। इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ये अजीम इमारत फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने सन 1900 से 1908 के दरमियान तैयार की थी। इमारत में मगरबी तर्ज तामीर का रंग खसूसियत से पाया जाता है। हिंदुस्तान की दीगर तारीखी इमारतों और किलों की बनिस्बत ये इमारत अपने नक्शो निगार वाले दरो दीवार और ऊंचे ऊंचे सतूनों के सबब मुमताज है। इसके सतून इटली से मंगाए गए थे, जिन्हें लापजुली कहा जाता है। मगरबी तर्ज तामीर की तरह यहां भी चौड़े बरामदे और बालकनियां मौजूद हैं। ये अजीम इमारत उस सुनहरी दौर की याद दिलाती है जिसमें इसका शाही जाहू जलाल देखने से ताल्लुक रखता था और आराम व आसाइश इस इमारत की जान थी। वो जाहू जलाल और शान उज़्मत आज एक कमरे में महफूज की गई है जिसमें म्यूजियम कायम है। स्कूल के अहाते में बना ये म्यूजियम अपने अंदर एक दौर की तारीख को महफूज किए हुए है। यहाँ पर बड़ी तादाद में तारीखी नवारदात महफूज हैं, जो राजा और इनके खानदान से मुतालिक हैं। ये म्यूजियम दरअसल राजा का दीवान खाना था। इस कमरे की फ्रांसीसी सजावट लुई 16वें के दौर की याद दिलाती है। रंगीन पत्थरों से बनी खूबसूरत गोल मेज अहदे वुस्ता की मुसव्वरी के साथ इस कमरे के हुस्न को दुबाला करती है। दूसरी नवारदात जैसे सजे धजे सोफों, खूबसूरत कुर्सियों और ट्रॉफियों से भी कमरे की खूबसूरती में इजाफा होता है। दीवारों पर होने वाली मखसूस पेंटिंग की दीदा से भी और बढ़ जाती है जब हम पाते हैं कि इनके फ्रेमों पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये कमरा यकीनन यहाँ आने वालों को शाही दौर में पहुंचा देता है, लेकिन बाकी कमरों में पढ़ाई होती है और नई नस्ल को नज्म व ज़ब्त और इल्म व हुनर की तालीम व तरबियत दी जाती है। स्कूल की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में कीमती किताबों का जखीरा है। तलबा यहाँ हर तरह की किताबों से अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। तालिबे इल्मों के लिए लाइब्रेरी की दीवारों पर सजी बड़ी बड़ी तस्वीरें और नक्शोनिगार भी बहुत पुरकशिश हैं। हालांकि स्कूल का मकसद फौज के लिए नज्म व ज़ब्त के पाबंद लायक और होशियार सिपाही तैयार करना है, लेकिन यहां से तलबा दीगर शोबों में भी जाते हैं। आइए अब वक्त है कपूरथला के पंच मंदिर के दर्शन का। इस मकाम को पंच मंदिर इसलिए कहा जाता है कि ये पांच देवी देवताओं के मंदिरों का मजमुआ है। फने तामीर के एतबार से ये मंदिर राजस्थान की किसी हवेली से ज्यादा मुशाबे मालूम होते हैं। सफेद दीवारों पर नकरी नक्काशी मंदिरों की तर्ज तामीर और सजावट में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यहां इन इमारतों की शान को दुबाला करती दिखाई देती है। इस अहाते में बने पांच मंदिरों में सबसे ज्यादा नुमायां और अहम कृष्ण और राधा का मंदिर है। जालंधर शहर से कुछ दूर की मुसाफत पर सराय नूर महल की इमारत है, जिसकी वजह से इस मकाम का नाम ही सराय नूर महल पड़ गया है। इस इमारत का नाम बादशाह जहांगीर की हसीन और जहीन बेगम नूरजहां के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि नूरजहां इसी शहर की रहने वाली थी। जब वो मुल्क की मलिका बन गई तो उसने यहां नूर महल तामीर करवाया।
इस शहर में मलिका नूरजहां का ददिहाल था और वो अक्सर यहाँ आया करती थी। आज भी मकामी लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि मशहूर मलिका उनके छोटे से शहर की रहने वाली थी। ये मलिका के मुलाजमीन के मकानात हुआ करते थे। अब इन मकानों के अलावा सब कुछ खंडर हो चुका है। कुछ और आसार दिखाई नहीं देते। सिर्फ नूर महल में ठहरे हुए वक्त के दामन में इस महल की दिलकशी का तसव्वुर ही किया जा सकता है। वतन की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की ये यादगार काबिल-ए-दीद है। ये जदीद इमारत उन शहीदों की शहादतों कुर्बानी की याद में बनाई गई है जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। यहां पगड़ी बांधे बावर्ती सिपाही का तांबे का मुजस्मा नस्ब है जो उन सिपाहियों की नुमाइंदगी कर रहा है जो आजादी के लिए काम आए। कपूरथला की दीगर इमारतों की तरह यह भी गुलाबी रंग की ही इमारत है। बिलखुसूस यहां की दीवारों और छत पर बने डिजाइन दीदा जेब हैं। तर्ज तामीर में फ्रांसीसी झलक शामिल है। यहां का मशहूर घंटाघर जागीरदाराना रियासत के माजी की तारीखी यादगार बना खड़ा है और माजी में होने वाली तब्दीलियों का खामोश गवाह है। नूर महल के करीब ही 17वीं सदी के मोहम्मद मोमिन हुसैन और हाजी जमाल का मकबरा है। ये उस्ताद और शागिर्द के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। शहंशाह जहांगीर के मुसाहिब खास खाने खाना के खिदमतकार उस्ताद मोहम्मद मोमिन हुसैन एक गुलूकार थे। मकबरे की खूबी ये है कि ये बाहर से चौकोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से इसके 8 कोने हैं, जबकि दूसरा मकबरा बाहर से 8 कोनों का दिखाई देता है लेकिन अंदर से चौकोर है। यहाँ पर उस्ताद और शागिर्द आस पास अबदी नींद सो रहे हैं। मुद्दतों बीत जाने के बाद आज भी ये मकबरा अपने फन तामीर और हुस्न के सबब अपनी कशिश और दीदा से भी बाकी रखे हुए है।